2024 लोकसभा इलेक्शन का आगाज हो चुका है और आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार कई पार्टियां नॉमिनेशन कर रही हैं, सीट बंटवारे हो चुके हैं और जिन लोगों को सीट नहीं मिला था उनको भी मौका दिया जा रहा है। कोई चौका मार रहा है, कोई छक्का मार रहा है। इस बीच जनता के अंदर एक विरोध है और जनता जानना चाहती है और जनता का मन क्या है, जनता का कहीं ना कहीं जो मत है वो किस ओर जाएगा और क्या कुछ जनता को चाहिए, इसको लेकर आज हम पहुँच चुके हैं गाँव में, जिस गाँव में के जो लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनका जो कहीं ना कहीं जो मत है अब की बार किस ओर जाएगा। तो यह बिहार का काराकाट लोकसभा क्षेत्र का एक गांव है घरी, यहां पर हम आ चुके हैं और यहां के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका जो अब की बार का जो नेता होगा माहौल क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। और क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम डॉक्टर पिंटू कुमार हुआ। डॉक्टर पिंटू जी एक बात बताइए कि 2024 के जो लोकसभा के जो चुनाव है वो अपने कहीं ना कहीं चरम पर आ चुका है, लगातार कई जगहों पर जहां प्रथम चरण का नॉमिनेशन हो चुका है और आपके यहां सातवें चरण चुनाव है, लेकिन इस बीच आप कैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री अब की बार देखना चाहते हैं, कौन चेहरा होगा आपके? सबसे पहले आप सभी अपना खबर और हिमांशु बाबू संघर्ष तक के न्यूज को जो भी देखने वाले साथी हैं सबको धन्यवाद। और जो प्रधानमंत्री के जो बात कर रहे हैं तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो तो बहुत अच्छे हैं मोदी जी, लेकिन सबसे पहले मैं जो पार्टी से बिलोंग करता हूँ जन अधिकार पार्टी उसका नाम है। जो जन अधिकार पार्टी में है? जी जन अधिकार पार्टी के मैं जिला अध्यक्ष था और सेवा था। पार्टी का विलय हो गया कांग्रेस में? जी कांग्रेस में विलय हो गया। जो कांग्रेस का जो विचारधारा था, आरजेडी का विचारधारा था, उसी विचारधारा पर हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव ने उस पार्टी में विलय किया। लेकिन विलय करने के बाद क्या हुआ कि क्या षड्यंत्र रचा गठबंधन के नेताओं ने कि हमारे नेताजी को जो राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया गया। लेकिन पूर्णिया का जो चुनाव है पूरे देश में पूर्णिया का चुनाव जो है एकदम मीडिया के माध्यम से कहिए या जनता के माध्यम से कहिए पूरा उसी का खबर चल रहा है। और लालू जी ने धोखा दे दिया क्या पप्पू यादव? जी लालू जी धोखा दिया है कि कांग्रेस धोखा दिया है अब तो वो अंदरूनी बात है, हम किसी को नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी धोखा दिया है उसको जवाब जनता जरूर देगी, पूर्णिया की जनता जवाब देगी। जी पप्पू यादव का क्या लगता है, जीत वहाँ से सुनिश्चित होगा? जी 110% जीत जो है वहाँ, क्योंकि पूर्णिया में जो जनता है कोई जाति और धर्म मजहब पर मतलब वहाँ वोट नहीं होता है। काराकाट में क्या होने वाला है? काराकाट का देखिए, काराकाट के बारे में हम अभी क्या बताएं, जो प्रत्याशी हैं अभी हम लोग से तो अभी एको बार मिलवे नहीं किया है। तो पूर्व में थे वो लोग? पूर्व में भी सब वही है प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी हमारे नजर में अभी वैसा नहीं है कि मतलब कि किसी को वोट दिया जाए। जी प्रत्याशी को वोट देने लायक नहीं है जी हम। और कोई लगता है कि प्रत्याशी जिसको पर्सनल वोट दिए हो ये पिछले चुनाव में वो आता है आपसे मिलने के लिए? नहीं आते हैं। देखिए प्रधानमंत्री तो मोदी ठीक है कि गली सब गली गली तोड़वा कर नल जल लगा दिए और सब देखिए रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। मोदी जी का नल जल था, पानी भी नहीं आ रहा है। नीतीश का होगा चाहे मोदी का है, वहाँ पर देखिए। आपकी बार वोट किसको दीजिएगा चाचा? जो जीतेगा उसी को दिया जाएगा, जो जीतेगा उसी को जिता दीजिएगा, जिता दीजिएगा, हारेगा उसको हरा दीजिएगा। तब आपको नेता कौन अच्छा लगता है? लालू जी, तेजस्वी जी, चिराग पासवान, इतने नेता हैं, किनको आपको अच्छा मानते हैं नेता? आपके अनुसार कौन अच्छा नेता है? आरजेडी है। आरजेडी? हाँ जी। अच्छा आरजेडी किनका आप समझते हैं ना, लालू जी का पार्टी है आरजेडी? लालू यादव का है कि ठीक है इनका तेजस्वी का है? लालू जी का लड़का है तेजस्वी जी? लालू में तेजस्वी में अंतर नहीं है। कैसे अंतर है? वो जवान है, वो बूढ़ा है। जवान है बूढ़ा है तो बापे ना है आखिर उनके? बाप से क्या मतलब है? हाँ। बेटा और नया काम करेगा ना, तब नया विकास होगा। अच्छा तो बताओ तेजस्वी जी को मानते हैं? मानते हैं। लालू जी को? लालू जी को अब तो बुढ़ा गया, उसको को मैं मानूंगा। अच्छा लालू जी को बुढ़ा गया, आप उनको नहीं मानेगा? चलिए चाचा जी लालू जी को नहीं मानते हैं, आप किसको नेता मानते हैं अपना? हम तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का? लालू यादव को? लालू यादव को मानते हैं। मोदी जी को? मोदी जी के नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। सब लड़का नौजवान घूमता है। क्या घूमता है? नौकरी किसका देता है? क्या नहीं देता है नौकरी? कोई भी नहीं देता है। अच्छा कौन आपके लिए बढ़िया नेता है जो काम करता है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव काम करते हैं, विपक्ष कहता है नौवीं फेल है। नौवीं फेल है? नौवीं फेल से क्या मतलब है? अच्छा काम से काम है तो काम करते हैं तेजस्वी यादव? करते नहीं है। तो बोलता है कि जातिवाद करता है लोग? अरे जातिवाद तो पूरे बिहार में है, यहाँ नहीं रहेगा। अच्छा तो ये बताइए यादव का सही नेतृत्व करते हैं तेजस्वी यादव? और क्या सबको करते हैं, यादव क्या करते हैं सबको करते हैं। अच्छा
लेकिन अपने जतिया के पप्पू यादव है उनको काहे नहीं साथ में लेके चलते हैं? पप्पू यादव जोग नहीं है। अच्छा पप्पू यादव जोग नहीं है, वो विकास नहीं करेंगे? विकास नहीं करेंगे। अच्छा जोगी यादव विकास करेंगे, उन पर भरोसा है, उनको बाप किया है, लालू यादव किए हैं, हाँ भी करेंगे। अच्छा तेजस्वी पर आपको भरोसा है? तेजस्वी प्रधानमंत्री थोड़े बनेंगे आपको लगता है? प्रधानमंत्री काहे नहीं बनेंगे, योग है। जब सियान आदमी हो जाते हैं तब ना कुछ होता है। अच्छा उस तरह भी अपना प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं? हाँ लोग कहते हैं कि बाबू जी चारा चोर है। अरे भैया चोर कौन नहीं है, कौन चोर? कोई चोर है? मोदी जी कहाँ चोर है बताइए? जब उनका सरकार हटेगा तब मालूम पड़ेगा कि चोर है कि नहीं। हाँ चोर तो थे केजरीवाल, देखिए जेल भेज दिए मोदी जी। अरे भैया अभी भाजपा का सरकार है, हाँ। जिसको चाहेगा उसको अंदर करेगा, जिसको चाहेगा उसको अंदर। भाजपा अंदर करता है कि ईडी सीबीआई प्रशासन अंदर करता है? उसी का ना है। किसका है? सब भाजपा का है। भाजपा का ईडी जिसका राज उसका दुहाई। अच्छा मारे में हर पादे पड़ोसी। अच्छा तो आपको नहीं लगता कि 70 साल उनका राज था तो वो लोग ऐसे किए होंगे? अरे वो तो लगा हुआ है। अच्छा वो तो लगा हुआ है तो फिर तो उन्हीं के जिम्मे दे दीजिएगा राष्ट्र को, वो चलता है। तो आप किसको केवल प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री किसको हम बताएं, अब आगे क्या होगा उसका तो बात ही अलग है। लेकिन अब की बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक हो गए हैं। हाँ एक हो गए हैं। हाँ तो लोग लगता है कि 40 सीट है बिहार में, कौन सीट जीतेंगे भाजपा के लोग और कौन दे दी? अरे हमको तो लगता है कि यहाँ से 38 सीट से कम नहीं आएगा। किसका? दोनों मिलाकर। किसको? कांग्रेस और राजद को। राजद को 38 सीट आएगा। भाजपा इधर 400 पार का नारा लगा रहा है। गलत बात है, 400 पार नहीं होगा। गलत बात है, आप गलत कह रहे हैं। नहीं गलत बात है, देखिएगा देखने को मिलेगा। हाँ देखने को मिलेगा। कौन विकास कर दिए तेजस्वी यादव के, तेजस्वी यादव के भक्त बन गए? अरे भैया भक्त की बात नहीं है, काम की बात है। काम कर दे, कौन काम कर दिए? लालू यादव के राज में हम लोग के गाँव में रोड बना। अच्छा जो कि चारों तरफ से रोड बन गया। अच्छा यहाँ कुछ नहीं था। हाँ इतना पानी में हम लोग जाते थे। लालू यादव का देन है कि आज हम लोग लालू यादव तो खाली लाठी में कहते तेल पिलाइए और रैली में आइए, इससे विकास हो गया। तो उनका भाषण था ना। हाँ लेकिन काम भी किए हैं। काम किए हैं? हाँ मोदी जी काम नहीं किए हैं। काम मोदी जी तो खाली कहते हैं कि श्रम कार्ड पर ये देंगे, आधार कार्ड पर ये देंगे, अब देते कुछ नहीं है। मोदी कुछ नहीं दिए? 5 किलो राशन नहीं मिलता है आपको जी? 5 किलो आयुष्मान कार्ड में 5 लाख नहीं मिला? 50 आदमी को मिल रहा है तो 50 आदमी को नहीं मिल रहा है। सबको दे दें, घर घर दे दें। जिसको नहीं बनना चाहिए उसको बन गया, जिसको नहीं बनना चाहिए उसको नहीं बना। किसको बन गया? किसको बन गया? हाँ। जिसको बोलते हैं ना कि गरीब को दिया जाएगा। अच्छा। गरीब को नहीं बना, अमीर को बना। गरीब को नहीं बन रहा है, सब अमीर को मिल रहा है। अच्छा विकास गरीबों का नेता कौन बनेगा फिर, जब गरीबों का नहीं बन रहा है तो? ये तेजस्वी बनेगा। तेजस्वी बनेंगे और क्या? तो अब की बार आप तेजस्वी को वोट देंगे पूरा खुल के? हम खानदानी है। हाँ ये गलत बात नहीं है। अच्छा हमारा दादा तो नहीं, दादा तो मान लें उस समय राजद का अथी नहीं था। अच्छा बाप, हम, हमारा लड़का, चाहे जो भी है परिवार, हम लोग खानदानी है राजद। हाँ। रहेंगे चाहे सरकार रहे। तो मतलब भक्त हैं, लालू भक्त हैं? भक्त से भी भक्त। अच्छा तो विकास जो नहीं करेगा उसका भी भक्त बन जाएगा? चाहे नहीं, विकास नहीं हुआ है हमारा है? नहीं हुआ है, हुआ है विकास। पर्सनल विकास हमारा करेगा, हमारा नौकरी देगा तब हम कहेंगे कि हमारा विकास हुआ है। तो लोग रोजगार नहीं मांग रहा है मोदी जी? तो मोदी जी सबको मतलब पर्सनल पर्सनल रोजगार बांटते चले आपको लगता है? मोदी जी कौन थोड़े कह रहे हैं, पूछ रहे हैं किसको? अच्छा चलिए इसके बाद आगामी, इसके बाद 2024 में 2025 में को चुनाव होगा मुख्यमंत्री वाला। हाँ। तो आपके अनुसार मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए? क्लियर है तेजस्वी का, तेजस्वी को, नीतीश चाचा। अरे पलटू का बात मत कीजिए भैया, बिहार के सीएम है, उनको पलटू मत कहिए। नहीं थोड़ा उनके साथ थोड़ा सा व्यवहार अपनाइए, हमारा सीएम है। अरे व्यवहार है, अब बताइए हमारा जब बाप है हमारे साथ गलत करेंगे तो हम उनको क्या कहेंगे? गलते कहेंगे गलत है, गलत है नहीं कहेंगे? कोची गलती कर दी नीतीश कुमार, नीतीश कुमार साफ छवि के नेता है, उन्होंने कहा कि लोग हमको दबा रहा था, नहीं नहीं काम नहीं करने दे रहा था इनका, ये अपने सीट के चलते कुर्सी के चलते नीतीश कुमार इधर करेंगे। चलिए चाचा को लग रहा है कि सीट के चलते, आपको क्या लगता है बिहार का नेता कौन है अब की बार चुनाव का नेता आपका कौन है? फिक्स है तेजस्वी यादव। कहा है तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव में ऐसा क्या है कि तेजस्वी यादव आपके नेता है? तेजस्वी यादव विकास कर रहा था, वो 6 महीना में जो दे दिया वो विकास कर दिया। वो कौन विकास कर दिया बताइए? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव विकास कर दिया। 6 महीना पहले सीएम कौन था? बीच में सरकार उसका एक बार आया था, दोनों पलटू राम वो क्या बोलते हैं पलटू नीतीश चाचा और वो तेजस्वी यादव। अच्छा दोनों एक साथ थे ना एक बार, तो वो विकास किए 6 महीना के अंदर में। मोदी जी कैसे काम करते हैं? मोदी जी